आइए दोस्तों, आपको इक्वी एक्स लार बनाना सिखाते हैं। ये हमने ले लिए एक्स लार केबल, इसमें तीन वायर होते हैं। हमने सील के इनको पेस्ट लगा के रंगा लगा के सबको और फोल्डिंग के लिए तैयार कर लिया है। अब ये लेते हैं ईपी लेते हैं, ईपीजे। इसको हम अंदर डालेंगे, ठीक है। ये जो सिल्वर वाला भार वाला जो पोर्शन होता है वायर का, ये हमेशा ग्राउंड होता है। इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, नीचे रख के कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा छोटा काटा है हमने ताकि ये आसानी सोल्ड हो जाए और उसमें शॉर्ट नहीं हो, ठीक है। अब इसमें अपन श्योरी दोस्तों, ठंडा होने से पहले ही मैंने उसको उठा लिया, थोड़ा सा रंगा और डाल देंगे इसमें, सोल्डिंग अपनी मजबूत हो जाएगी। ये लेफ्ट राइट के हैं, ये वाइट वाला हम राइट वाले में दे रहे हैं, राइट का ही होता है अंदर वाला, स्टीरियो साउंड के हिसाब से है स्टीरियो जेक, इसको स्टीरियो जेक कहते हैं। होल्डिंग अच्छे से करेंगे दोस्तों ताकि अच्छे से पैक हो सके, वायर टूटे नहीं। अच्छे से चला दे ताकि चेक अपना शॉर्ट ना हो। इसको ग्लास की सहायता से दबा दे, इसको कर दे पैक, ठीक है। आ गया अपना स्टार। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे नंबर डले हुए होते हैं, जैसे कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर हमेशा ही अपना ग्राउंड होता है। पुराना एक सलार है इसलिए पहले केप डालना ना भूले, कई बार मैं केप डालना भूल जाता हूँ तो फिर वापस दोबारा से उसको सोल्डिंग खोल के दोबारा से डालना पड़ता है। ये इसमें मैंने स्लिप पहले से डाल रखी है, इसको क्या है मैं दोबारा से बना रहा हूँ, पहले ये बना हुआ था एक बार। ये इसके ग्राउंड से है ना जो अर्थिंग शॉर्ट किया हुआ है ताकि इससे कोई नॉइज वगैरह ना हो।
हमेशा राउंड को अपन एक नंबर में ही जोड़ते हैं, ये हमेशा याद रखें। व्हाइट वाला हमेशा दोनों तीन नंबर में तोड़ते हैं। खींच के चेक कर ले ताकि पता चल जाए सही तरीके से वो आ जाए। फिर इसको यहाँ से खींच के ऐसे दबा दे ताकि ये स्लिप यहाँ तक चढ़ जाए। इसके बाद में इसको अंदर डालेंगे, ये केप लगाना ना भूले, ये केप अंदर फिट हो जाएगी, इसे अपना वायर खींचेगा नहीं। और ऊपर से ये कर देंगे बंद। ये हमारा हो गया EP2 XLR तैयार। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।